नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां अपने चुनावी तैयारियों में मैदान में कूद चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जो परीक्षक बनाए हैं गीता भुक्कल, यहां पर आई हैं और वो फीडबैक ले रही हैं चुनाव के टिकट बंटवारों के लिए, और जो विधायक हैं उनका फीडबैक लेने आई हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी मैम बताएँ, आप परीक्षक हैं और आप कल से यहाँ पर आई हुई, यहाँ पर क्या फीडबैक लिया आपने? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं इसमें भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों का यहाँ पर ऑब्जर्वर लगाकर भेजा है। हम लोगों ने कल DCC में पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी जो हमारे मौजूद व्यक्ति हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे ACC, PCC, DCC या ब्लॉक के हैं या जो चुनाव लड़ चुके हैं या जो लड़ना चाह रहे हैं, सभी से हमने कल जो है मीटिंग करने का काम किया और शाम तक सभी से मिलने का प्रयास किया है। आज भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे जो सम्मानित साथीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, पार्टी के वो लोग सब मिले हैं। तो जो यहाँ पर आने के बाद एक अनुभव हुआ है बहुत अच्छा, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव के दौरान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 8 की 8 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जो राजस्थान में इस समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यप्रणाली है उसके हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स हैं जिसका लाभ चाहे युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, व्यापारी वर्ग है, आम जनमानस है, चाहे हमारा वो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, हमारे हर 36 बिरादरी में जो है बहुत ज़्यादा इसका अच्छा प्रभाव है। मैंने देखा माननीय सचिन पायलट जी का भी अपना क्षेत्र में है, सभी नेताओं ने, और इस समय सब लोग मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। एक जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर हमें जो नज़र आया है, एक परंपरा या मिथ कह लीजिए ऐसा रहा है कि हमेशा जब भी राजस्थान में चुनाव हुए हैं कि एक बार कांग्रेस पार्टी आती है, एक बार BJP आती है, लेकिन लोगों ने इस समय मन बना लिया है कि ज़्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जैसा कि मैम आप बता रहे हैं कि लोगों में जो विधायकों में खिलाफ काफ़ी रोष है, जो यहाँ की जनता है, राजस्थान की जनता है, वो मुख्यमंत्री योजनाओं से परेशान नहीं है, जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका भी विरोध देखने को जनता में मिल रहा है, कई जो विधायकों से पब्लिक नाराज है, तो इसके बारे में क्या फीडबैक लिया आपने? देखिए इसमें जो है अभी सभी से बातचीत चल रही है, सभी के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के समय सिटिंग विधायक हैं या जो अलायंस हैं वो लोग अच्छे ढंग से अपने प्रचार प्रसार और नीतियों का काम करें और जो हमारे वर्कर साथी हैं, जो हमारी पार्टी की और सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, उनसे अपना बहुत अच्छे ढंग से सामंजस्य बना कर रखें और जो भी फीडबैक रहेगा वो हम लोग हमारे हाईकमान को देने का काम करें। मेरा एक चीज़ और है, जो संगठन है कांग्रेस का, काफ़ी साल से यहाँ पर जिलाध्यक्ष नहीं थे, अभी जिलाध्यक्ष नहीं थी, अभी संगठन भी बहुत कमजोर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं, अपना प्रमुख भी उन्होंने बना दिया, लेकिन अपना कांग्रेस का संगठन है वो बहुत कमजोर है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन के गठन की प्रक्रिया जो हमारी चली, AICC के हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने, उसके बाद PCC अध्यक्ष हैं, DCC हैं, ये प्रक्रिया हमारी चल रही है लगातार और अभी समय जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हो चुका है और उनकी कार्यकारिणी भी जैसा बताया गया अति शीघ्र यहाँ पर हो जाएगी। जहाँ तक BJP की आप चर्चा कर रहे हैं, वो तो केवल पन्ना ग्रुप बना रहे हैं, हमारे कांग्रेस जन तो गली गली घर घर जो है पूरी तरह से हमारे संगठन के लोग भी और सरकार की ओर से जो है सब लोग प्रचार प्रसार में पूरी तरह से शुरू से ही लगे हैं। एक चीज़ और देखने मिली, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका बताया जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी देखने मिली कि सरकार होते हुए 4.5 साल तक उनकी किसी ने नहीं सुनी, उनमें विरोध भी देखने को मिला है। देखिए ऐसा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला, बल्कि लोगों की नाराज़गी पूरी तरह से BJP के खिलाफ है, जो देश में धर्म जाति बिरादरी के नाम पर दंगे हो रहे हैं, जो सुनवाई नहीं हो रही है, भाईचारा खराब किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है, हमारे हरियाणा में BJP की सरकार है, नूह मेवात में जिस प्रकार से जातीय दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में जो है जातीय दंगे जो हो रहे हैं, अहिंसा का जो माहौल है, सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लोकसभा राज्यसभा में चुने हुए लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो इस समय माहौल मैं समझती हूँ पूरे देश भर में anti-BJP वेव चल रही है। आपने देखा होगा जिस समय कर्नाटक के चुनाव हुए थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, वहाँ भी उन्होंने जातीय तौर पर हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी के नाम पर जो कार्य करने का काम करते हैं, क्योंकि जो इनका मैनिफेस्टो आप जब BJP के किसी नेता से बात करेंगे तो
तो आप उनसे उनके मैनिफेस्टो और उनके एजेंडे के बारे में जरूर पूछना कि मैनिफेस्टो में जो आपने वायदे किए थे 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, हर जगह मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी IIM IIT सब बनाए जाएंगे, तो वायदों पर तो वो काम नहीं करते हैं। जात बिरादरी और दंगों के नाम पर ज्यादा बीजेपी का जो है एजेंडा रहता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भाईचारे के ऊपर साथ चलती है, छत्तीस बिरादरी की हमारी पार्टी है। तो मैं समझती हूँ आज के समय में फील्ड में अगर एंटी इनकमेंसी है, अगर कोई खिलाफ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इंडिया बहुत से विपक्षी दलों ने इसका फॉर्मेशन केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए फॉर्मेशन हुआ है। तो आज जो यौन शोषण के मामले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारा की धज्जियां उड़ रही हैं, बेटियां असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, ऐसे में मैं समझती हूँ बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना है उसमें हमारे जो राजस्थान के इस समय चुनाव होंगे उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है या मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है और हमें उम्मीद है हम तीनों के तीन इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उससे मैं समझती हूँ जो राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान के भरतपुर के बाद हमारा फिरोजपुर जिरका हरियाणा में ये यात्रा एंटर हुई थी, जो जोश देखने को मिला, जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं वो भी राहुल गांधी जी की इस यात्रा में बहुत प्रभावित होकर उनके साथ उन्होंने जोड़ने का काम किया है। तो मैं समझती हूँ ये जो चुनाव की प्रक्रिया इस समय होगी यहाँ पर जो लहर एक चल रही है कांग्रेस के पक्ष में मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट करनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में कांग्रेस के ऑब्जर्वर गीता मुखर्जी जी। इन्होंने कहा है कि सरकार रिपीट करेगी जैसा इनको फीडबैक मिला है और जो भी यहाँ की रिपोर्ट होगी वो कांग्रेस के आला कमान को दी जाएगी।